जिंदगी में कभी कॉलेज के वक्त स्कूल के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा, बसों का ट्रेनों का किया है बाबा? हाँ, कॉलेज के टाइम पे सेकंड क्लास का पास था मेरे को। लेकिन फर्स्ट क्लास में घुसे थे कभी सच्ची? लेडीज डिपार्टमेंट, लेडीज कंपार्टमेंट में घुस गए थे 100%। क्यों? ऐसे ही वो धक्का लगता ये सब लगता। वक्त है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, जो भी स्टार्स होते हैं वो उन्हें बनाती पब्लिक है। हमारी यहाँ पे पब्लिक बहुत बेताब हो रही है आप लोगों से थोड़े बातचीत करने के, थोड़ा इंटरेक्शन करने के लिए। आपके कई सारे फैंस आए हैं यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं। ऑटो वाला आपने ये सब क्या क्या किया है? मुझे मुन्ना भाई एसएससी बोलते हैं, बिकॉज माय क्वालिफिकेशन इज 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड, ओके। आणि इकडे मी संजय दत्त मैंने संजय बाबा का टैटू निकाला है। फिर मैं सबको बोलना चाहूंगा, मेरे हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ कि जब बाबा जेल में थे मैंने 2.5 साल चप्पल नहीं पहना था। मन्नत मांगी थी कि जब तक मेरा भाई जेल से आएगा नहीं, सॉरी आएगा नहीं, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये जो आप रिक्शा देख रहे हो इसमें वाईफाई है, पावर बैंक है, चाय है, टिश्यू पेपर है, लेडीज लोग के लिए मिरर है, बिकॉज वो सेट स्मार्टफोन वैसे देखते रहते ना, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। शाम को बाबा के पिक्चर लगते हैं उस पर। अच्छा। और बाबा के बर्थडे के दिन पूरा दिन बैंड्रा में फ्री सर्विस देता हूँ गांधी जयंती के दिन। सो बाबा के बाबा का जब बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहा था तो मुझे कॉल आया था, तो उन्होंने बोला भैया संदीप बच्चे आप आजकल बहुत रिक्शा लाइन में छाए हो, तो आप हमारे साथ, हम आपके साथ ऐड करना चाहें, आपको 20,000 देंगे। तो एक रिक्शा वाले के लिए 20,000 बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको शूज़ पहनने पड़ेंगे। मैं बोला नहीं भाई वो मैं नहीं पहनूंगा। बोला क्या रीज़न है? बोले नहीं कुछ तो रीज़न है, मेरा कोई अपना अंदर है, थोड़ी तकलीफ में है। तो उन्होंने बोला हमको 40,000 देंगे, 60,000 तक गए थे। मैंने बोला भाई 10 लाख भी देंगे फिर भी मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने टालियाँ बजे कि हम लोग रेडियो से बोल रहे हैं, यू आर अ बिग फैन ऑफ संजू वगैरह। मैंने 11 अवार्ड लिए, अभी राजस्थान टूरिज्म ने मुझे बुलाया था। मैं सीनियर सिटीजन अपंग लोगों से हाफ मीटर लेता हूँ, और एवरी संडे जो भी मेरे इनकम में बैठे मैं कैंसर पेशेंट को नाश्ता देता हूँ। बिकॉज जब मेरी माँ को तकलीफ थी मुझे अपनों ने हेल्प किया था, बट एक आदमी खड़ा था जो हर टाइम मेरे लिए मेडिसिन के लिए हेल्प करता था, वो था संजू बाबा। शायद बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं उनको शायद। ये गेम में बहुत सिंपल रूल्स हैं, 10 सेकंड का टाइम आपको मिलने वाला है अनुष्का। मैं आपको शाहरुख की तरफ से एक वर्ड बताऊंगा जो शाहरुख को नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा। आपको वो वर्ड गैस करना है, शाहरुख को गैस करना है, आपको एक्ट करना है या दूसरे रिलेटेड वर्ड्स समझाना है। रेडी? पहला वर्ड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक ही शब्द है। मैंने पिक्चर में ये किया है, ये एक स्पोर्ट है, इसमें एक मूव होती है। रेसलिंग। मूव कौन सी होती है? मैंने ना वो पिक्चर में किया है, मैंने पिक्चर में किया, मैंने एक पिक्चर में किया है। अब इसने पिक्चर में क्या क्या किया, कितनी सारी अब मैं समझ गया। ये एक नेशनल बर्ड। पीकॉक। मोर। हिंदी में मोर। मोर और मोरनी। What is this? Like say more. Say more ki biwi, more ki behan. Then I was going to say more ki girlfriend. I can sing a song. Yes. Bagam, dash bagam. Okay, okay, okay. Got it, got it. Yeah. Okay. Ab okay. Ab game samajh. Ab game samajh. Ab samajh aa gaya. Ab samajh aa gaya. Ek sahi, ek galat. Let's go.
माधुरी दीक्षित स्टेज पे थे और आप कुछ बोलते उनको और पास नहीं नो 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 दिल वाले दुल्हन नहीं ले जाएंगे माधुरी भी लेते हैं व्हाट इज दिस माधुरी दीक्षित स्टेज पे स्टेज पे स्टेज पे स्टेशन पर स्टेशन में काजल को बोला था बीच पे खड़ा हुआ था वो स्टेशन में ट्रेन पे स्टेज पे मैं कंफ्यूज हो गई और माधुरी दीक्षित को लेके मैं और पास सोचने लगे मैं अच्छा ये हमने खाए थे ना फिल्म में गोलगप्पे हाँ गोलगप्पा एक सेकंड बहुत सारा खाना खाया था एक सेकंड में गोलगप्पे वो एक ही चीज खाई थी हमने ओके लेट्स गो रेडी अरे जिनका पलट बोलते हो कौन है वो माधुरी दीक्षित काजल वेल डन रेडी ओके लेट्स गो एक चुड़ैल होती है दूसरी मुझे मालूम है वो भी प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी डायन डायन है ना वर्ड डायन प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी मैं टाइम बचाने के लिए वहां नहीं गया करेक्ट यूके वीजा लेकिन टाइम अप हो चुका था सॉरी चलो अच्छा ये जो लड़के लड़कियां करते हैं जब मिलते मिलते हैं थोड़ा सा इश्क मोहब्बत प्यार यार पहले मेकअप पार्टी में नोक झोंक अरे यार इश्क मोहब्बत नोक झोंक मतलब पार्टी में नोक झोंक करेंगे अच्छा एसएमएस पे फ्लर्ट चिपकू अच्छा सॉरी चिपकू बेस्ट वाज इश्क मोहब्बत नहीं जो पहले करते ना मेकआउट लेकिन मैं समझ रहा हूँ हिंदी का शब्द है इसलिए प्रॉब्लम हो गई बोल देना अंग्रेजी फिर देख तू अच्छा ये ना अभी रिसेंटली नहीं अच्छा कौन होता है ये और उनके टाइम नहीं यार यार मंकी मंकी अंदर ज्यादा कॉमन नेम अंग्रेजी का मंकी बोलो ना चिंपैंजी चिंपैंजी को टाइम खत्म हो गया Let's go fast. I'm ready. Achoo. Cheek. Well done. अंग्रेजी में सीन. Oh sorry, ये नहीं कर सकते. ये नहीं कर सकते. Acting कर सकते. Okay, let's go. चल छोड़ो. वही तो दंडा. हाँ. Let's go अनुष्का. Ready, I'm ready. अच्छा ये जो इंसान ना शादी नहीं करता है. कुमारा. उसको एक और वर्ड होता है ना. ब्रह्मचारी. हाँ. वाह. अगले हफ्ते भी साथ रहेंगे सुपरस्टार शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा अगर तुमको शाहरुख की एक चीज चुरानी है तो कौन सी चीज होगी मन्नत वैनिटी वैन छोड़ दो वहीं रहूंगा ना मन्नत की बस सारी फैमिली को हाँ और ना की उधेड़ बुन हंसने पर मजबूर कर देगी क्या आप दोनों ने कभी किसी फिल्म में ओवर एक्टिंग की है हर फिल्म में शाहरुख लगाएंगे रितेश और साजिद की क्लास हम कुछ अंडे लेकर आते हैं इसके अंदर कुछ कच्चे होंगे कुछ पके होंगे जो उठाएंगे और अपने सिर पे मारेंगे शाहरुख खान या सलमान खान और दोस्ती की केमिस्ट्री का होगा इम्तिहान ये बहुत ही डिफिकल्ट जवाब है बट आई एम प्रिटी श्योर